एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम के निर्देशन में देवरिया बाईपास खुराबाड़ तिराहे पर संयुक्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें शराब के नशे में वाहन चलाना तथा चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट ना लगाकर वाहन चलाना तथा बिना हेलमेट और दो से अधिक सवारी बैठाकर दो पहिया वाहन चलाने वालों तथा नियमों और संकेतों का पालन न करने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट में दर्जनों चालान किए गए। इस दौरान वाहन चालकों को हिदायत दी गई कि यातायात के नियमों और संकेतों का पालन करें और सुरक्षित रहें। चेकिंग अभियान में एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव, यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, हेड कांस्टेबल अजय पासवान सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें तथा दो पहिया वाहन पर हेलमेट लगाएं और दो से अधिक लोगों को ना बैठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शराब के नशे में वाहन बिल्कुल ना चलाएं, अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाया क्या? चल चल हूटर साइलेंसर व मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध जो है अभियान चलाया गया। इसमें ऐसे वाहनों के विरुद्ध जो मॉडिफाइड साइलेंसर जो है लगा करके और सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण जो है की तीव्रता अधिक हो जाती है और निर्धारित क्षमता से अधिक जो है मापने पर पाई जा रही है, तो उनके विरुद्ध एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई। साथ ही साथ जो है जो जितने भी वर्कशॉप हैं या शोरूम हैं जहां इस तरह के जो है मोटरसाइकिल जो है बिक्री हो रही है, उनको भी आज जागरूक किया गया और जो मॉडिफाइड साइलेंसर का कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अभी उनको अवगत करा दिया गया है, यदि कहीं कोई मॉडिफाइड साइलेंसर किसी भी वाहन में लगाते पाया गया तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है जो एमबी एक्ट के तहत जो तीन सवारी चलते हैं दो पहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या हमारी जो लाल बत्ती जो है रेड लाइट लगी हुई हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। साथ ही साथ ही लोगों को ये भी अवगत कराया गया कि अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग पर ही खड़ा करें, अपने निर्धारित लेन पर चलें और जो यातायात के नियम हैं उनका निश्चित रूप से पालन करें और यहाँ की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएं और आम नागरिकों को जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और सभी लोग जो है वह यातायात पुलिस का साथ दें। सर, बाकी लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो यातायात नियमों का पालन करें, लोगों को अवगत भी कराएं, जागरूक भी करें, स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं भी दोपहिया वाहन पर जब भी चलें तो दोनों व्यक्ति हेलमेट का प्रयोग करें, अपने परिवार के सदस्यों को भी अवगत कराएं, चार पहिया वाहन में यदि हैं तो सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें, जो यातायात के संकेत हैं उनका भी पालन करें
ट्रैफिक लाइट का प्रयोग करें, किसी भी दशा में जो है शराब पी करके या नशे की हालत में वाहन न चलाएं। आज शराब के नशे में जो वह लोग चलते हैं, ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा उनकी भी चेकिंग कराई गई, तो इसलिए उसका भी ध्यान में रखें कि कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में वाहन न चलाए और दुर्घटना से बचें। ये मैं चाहूँगा कि लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं की कमी आएगी और निर्धारित स्थल पर ही अपने वाहनों को पार्क करें, ये इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखें।